सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें एक एपिसोड के रूप में। ये सभी कविताएं और गजलें इससे पहले हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और आपकी मांग के अनुसार अब हम इन्हें एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इन रचनाओं के बाद आपको मेरी सहयोगी पल्लवी एक किताब के बारे में बताएगी और इसके बाद कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आपको सुनाएंगे एक रचनाकार की कविता खुद उनकी आवाज में। तो अब देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। क्या बात है। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब कुछ रुका होता। मैंने अक्सर इस उलझुल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया हुआ देखा है अग्निहोत्री जी। बहादुर शाह जफर साहब जी, हाँ, आखिरी मुगल या मुगल बादशाह समझ लीजिए, आखिरी मुगल उनको कहा जाता है। ये बादशाह तो थे ही थे, लेकिन इनको शेर व शायरी का शौक जरा ज्यादा था, है ना जी। तो चलिए इनकी एक गजल लाया हूँ मैं राजेश, क्योंकि लिखी तो बहुत सारी हैं लेकिन बहुत ही टफ हैं कई मामलों में, तो उर्दू इनका ना जी, इसमें फारसी है बहुत ज्यादा और फिर शब्द उस समय के हैं। तो आप देखिए बहादुर शाह जफर कब हुए, उनकी एक गजल है, छोटी है, मशहूर भी है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, क्या बात, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पायदार, क्या बात, किसकी बनी है आल में ना पायदार में। आगे कहते हैं, इन हसरतों से कह दो, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, क्या बात, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार। आगे देखिएगा राजेश, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागवा, कांटों को मत निकाल, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागवा, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में, क्या बात, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। आगे देखिए, बुलबुल को बागवा से ना सयाद से गिला, बुलबुल को बागवा से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसलें बहार में, क्या बात, किस्मत में कैद लिखी थी फसलें बहार में। अब देखिए राजेश, मतलब ये बहुत बहुत मशहूर है, बहुत ही ज्यादा मशहूर है, सुनिएगा। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में, दो गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में, यार की गली में दबाने के लिए भी जगह नहीं मिली। रंगून गए थे गुमनाम, अभी पीछे कुछ साल पहले कब्र मिली थी बाई चांस, नहीं तो पता नहीं था दबाया कहां गया था बहादुर शाह जफर को। एक जीना जग जाहिर, एक जीना चुपचाप, क्या बात, दो दो प्रकार से जीना पड़ता है एक जीवन कई बार, अरे हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। नुशूर वाहिदी साहब जी, गजल है, छोटी है, अच्छी है। वक्त का काफिला आता है गुजर जाता है, क्या बात, वक्त का काफिला आता है गुजर जाता है, आदमी अपनी ही मंजिल में ठहर जाता है, क्या बात। एक बिगड़ी हुई किस्मत पे ना हंसना ए दोस्त, एक बिगड़ी हुई किस्मत पे ना हंसना ए दोस्त, जाने किस वक्त ये इंसान संवर जाता है, बहुत खूब, जाने किस वक्त ये इंसान संवर जाता है, क्या बात। इस तरफ ऐश की शमाएं तो उधर दिल के चिराग, क्या बात, इस तरफ ऐश की शमाएं तो उधर दिल के चिराग, देखना ये है कि परवाना किधर जाता है, क्या बात, देखना ये है कि परवाना किधर जाता है। जामो सहबा की मुझे फिक्र नहीं एगम दिल, जामो सहबा की मुझे फिक्र नहीं एगम दिल, मेरा पैमाना तो अश्कों ही से भर जाता है, बहुत खूब, मेरा पैमाना तो अश्कों ही से भर जाता है। आगे देखिए, एक रिश्ता भी मोहब्बत का अगर टूट गया, एक रिश्ता भी मोहब्बत का अगर टूट गया, देखते देखते शिराजा बिखर जाता है, क्या बात, हाल मेरे लिए है लम्हा आइंदा नुशूर। अब देखिए मतला, हाल मेरे लिए है लम्हा आइंदा नुशूर, वक्त शायर के लिए पहले गुजर जाता, क्या बात है, वक्त शायर के लिए पहले गुजर जाता है। राजेश, कि कुछ दबी हुई ख्वाहिशें कुछ मंद मुस्कुराहटें, कुछ खोए हुए सपने कुछ अनसुनी आहटें, कुछ दर्द भरे लम्हे कुछ सुकून भरे लम्हात, कुछ थमे हुए तूफान कुछ मध्यम सी बरसात, कुछ अनकहे अल्फाज कुछ ना समझ इशारे, कुछ उलझने हैं राहों में कुछ कोशिशें बेहिसाब, यही तो है जिंदगी, चलते रहिए जनाब।
जॉन एलिया साहब, बहुत बड़े शायर जी, क्या लिखते हैं इनके गजल, देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, गजल पे आते हैं सीधे सीधे। तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। क्या बात, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। आगे, मैं तुम्हारे ही दम से जिंदा हूं, मैं तुम्हारे ही दम से जिंदा हूं, मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो। क्या बात, मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो। आगे देखिए, तुम हो खुशबू पे ख्वाब की खुशबू, तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, और उतनी ही बेमुरव्वत हो। क्या बात, और उतनी ही बेमुरव्वत हो। आगे, तुम हो पहलू में परकरार नहीं, तुम हो पहलू में पर करार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। क्या, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। आगे, तुम हो अंगड़ाई रंगो निकहत की। क्या बात, तुम हो अंगड़ाई रंगो निकहत की, कैसे अंगड़ाई से शिकायत हो। क्या बात, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। क्या बात, आगे, किस लिए देखती हो आईना, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। क्या बात, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। दास्तां खत्म होने वाली है। क्या बात, दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। क्या बात, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। जॉन एलिया साहब की गजल राजेश। कि अफसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, अरे भारत उठ आंखें खोल। धर्मशाला के साहित्यकार सुरेश भारद्वाज निराश साहब, एक गजल आई है उनकी जी, ताजा गजल है, अच्छी गजल है, सुनिए जरा। दिल में जख्मों के निशान देखते हैं, दिल में जख्मों के निशान देखते हैं, या कभी अपना समा देखते हैं। क्या है ना जी, था कभी अपना समा देखते हैं, था कभी अपना समा देखते हैं। खुश बहुत हुए वो हुए दिल ही दिल में, खुश बहुत वो हुए दिल ही दिल में, घर जला मेरा धुआं देखते हैं। क्या बात, घर जला मेरा धुआं देखते हैं। सदियों से डूबे हैं तन्हाई में। क्या बात, सदियों से डूबे हैं तन्हाई में, बाहों में उनकी रवां देखते हैं। क्या बात, बाहों में उनकी रवां देखते हैं। आगे, अपने होके नहीं जो अपने हुए, अपने होके नहीं जो अपने हुए, वो मिलेंगे क्या वहां देखते हैं। क्या बात, वो मिलेंगे क्या वहां देखते हैं। उनको बारिश से यूं तो लेना है क्या, उनको बारिश से यूं तो लेना है क्या, टपके मेरा जो मकान देखते हैं। क्या बात है, टपके मेरा जो मकान देखते हैं। आगे, उनकी मुझसे मिली जो नजरें यहाँ, उनकी मुझसे मिली जो नजरें यहाँ, बात मुझको हो ठिकाना देखते हैं। क्या बात, मुझसे हो ठिकाना देखते हैं। आगे, उनसे उम्मीद क्या अब हम करेंगे, उनसे उम्मीद क्या अब हम करेंगे, आंखें बंद करके जहां देखते हैं। क्या बात, आंखें बंद करके जहां देखते हैं। सुरेश भारद्वाज निराश साहब की रचना राजेश। कि हिस्से का मिल जाए किस्मत थोड़ी कम थी, शिद्दत जहां थी पूरी रहमत थोड़ी कम थी, चकाचौंध थी दुनिया थोड़ी, दौलत थोड़ी कम थी, आदत थी बस पुरानी, जरूरत थोड़ी कम थी। क्या बात, बीहड़ मेरे रास्ते थे तय करने हुए मुश्किल, जो साथ आए उनमें हिम्मत थोड़ी कम थी। निर्मल असो साहब जी, धर्मशाला के साहित्यकार, एक गजल आई है राजेश उनकी, बड़ी आप ध्यान दीजिएगा इस गजल। गजल का जो इसका शीर्षक है वो है हाँ दर्द है, हाँ दर्द है। अब देखिए, मैं जरा आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा जी। दर्द भीतर से चीखे उस आदाब में मर्ज है, दर्द भीतर से चीखे उस आदाब में मर्ज है, सलाम को झुकी गर्दन अल्फाज में दर्द है। क्या बात, सलाम को झुकी गर्दन अल्फाज में दर्द है, कानून की भाषा में मेरी क्या औकात रही, कानून की भाषा में मेरी क्या औकात रही, तेरे हर फैसले के अल्फाज में दर्द है। क्या बात, तेरे हर फैसले के अल्फाज में दर्द है। आगे आइएगा राजेश। मजहब के खूंटे में कितनी चुने बेड़ियां। क्या बात, मजहब के खूंटे में कितनी चुने बेड़ियां, अब तो हर इजहार में खुदा का डर है, जिनके दिल में कहीं नहीं तसव्वुर मगर, जिनके दिल में कहीं नहीं तसव्वुर मगर, सिले ओंठों में भी अल्फाज का दर्द है। क्या बात, सिले ओंठों में भी अल्फाज का दर्द है। आगे सुनिएगा। ऊंचे मकबरे पे आके बैठ जाते पंछी, ऊंचे अब देखिए कंसीट देखिएगा क्या, ऊंचे मकबरे पे आके बैठ जाते पंछी, आता तो रोज एक बाज मेरे दिल तक, आता तो रोज एक बाज मेरे दिल तक, तेरी कब्र पर कब तक चढ़ाऊं ये फूल, तेरी कब्र पर कब तक चढ़ाऊं ये फूल, हर पंखुड़ी में छिपे अल्फाज का दर्द। क्या बात, हर पंखुड़ी में छिपे अल्फाज का दर्द। आगे, उस रोशन दिए का क्या करें,
उस रोशन दिए का क्या करें जिसकी मिट्टी पर चढ़ी थी दीमक। क्या बात। उस रोशन दिए का क्या करें जिसकी मिट्टी पर चढ़ी थी दीमक। बाप की चिट्ठियां नजर आई जब, बाप की चिट्ठियां नजर आई जब, गुजरे दौर के अल्फाज का दर्द। क्या बात। गुजरे दौर के अल्फाज का दर्द। आगे देखिएगा भी, ताने बाने में जिंदगी के असूल उलझ गए, ताने बाने में जिंदगी के असूल उलझ गए, हवाओं के तहखाने में मौसम उजड़ गए, हवाओं के तहखाने में मौसम उजड़ गए, चुरा के ईंटें नींव तो गहरी कर ली हमने, चुरा के ईंटें। क्या बात। नींव तो गहरी कर ली हमने, बने बनाए घोंसले के अल्फाज का दर्द है। क्या बात है। बने बनाए घोंसले के अल्फाज का दर्द है। आगे, चमकती चांदनी को छूने की जरूरत में, चमकती चांदनी को छूने की जरूरत में, हमने मजलिस में टूटती चांदी देख ली। क्या बात। हमने मजलिस में टूटती चांदी देख ली, हमने जिन्हें पूजा उम्र भर एक यकीन में, अपने इसी इंतिखाब के अल्फाज का दर्द है। क्या अपने इसी इंतिखाब के अल्फाज का दर्द है। आगे, क्या बात। गहरे से कोई छेड़ता है जहां तक हमें, गहरे से कोई छेड़ता है जहां तक हमें, वहां खुद को बचाएं या सहलाएं कैसे। क्या बात। वहां खुद को बचाएं या सहलाएं कैसे, रोज एक नया ज्वार भाटा नजदीक से, रोज एक नया ज्वार भाटा नजदीक से, सुनो तो कभी उसके अल्फाज में दर्द है। क्या बात। सुनो तो कभी उसके अल्फाज में दर्द है। दर्द है। बरसात भी सियासत की तरह आती है। क्या बात है। बरसात भी सियासत की तरह आती है, तोहफे देती है, तोहफे देती है, मगर जख्म भी साथ लाती है। क्या बात है। फानी बदायूनी साहब 19वीं सदी के शायर, बहुत महान, मतलब बड़े नाम थे बदायूं के रहने वाले, बदायूं के बहुत सारे शायर हुए। क्या छुपाते किसी से हाल अपना, कहते हैं क्या छुपाते किसी से हाल अपना, जी ही जब हो गया निढाल अपना। क्या? जी ही जब हो गया निढाल अपना। आगे कहते हैं, हम हैं उसके ख्याल की तस्वीर, हम हैं उसके ख्याल की तस्वीर, जिसकी तस्वीर है ख्याल अपना। क्या बात है। जिसकी तस्वीर है ख्याल अपना। वो भी अब गम को गम समझते हैं, वो भी अब गम को गम समझते हैं, दूर पहुंचा मगर मलाल अपना। तूने रख ली गुनाहगार की शर्म, काम आया ना इम्फियाल अपना। आगे कहते हैं, देख दिल की जमी नरसती है, यादे जाना कदम संभाल अपना। बाखबर है वो सबकी हालत से, लाओ हम पूछ लेना हाल अपना। आगे अंत में मतलब देखिएगा, मौत भी तो ना मिल सकी फानी, फानी बदायूनी साहब का नाम, अपना नाम, मौत भी तो न मिल सकी फानी, किससे पूरा हुआ सवाल अपना। तहजीब हाफी साहब, इनकी गजल रदेशिक, जब किसी एक को रिहा किया जाए, सब असीरों से मशवरा किया जाए, रह लिया जाए अपने होने पर, अपने मरने पे हौसला किया जाए। इश्क करने में क्या बुराई है, हाँ किया जाए बारहा किया जाए। मेरा एक यार दरिया के उस पार, ना खुदाओं से राबता किया जाए। मेरी नकलें उतारने लगा है, आईने का बताओ क्या किया जाए। और राजेश मतला है, खामोशी से लदा हुआ एक पेड़, इससे चलकर मुकालिमा किया जाए। अब आप मिलिए पल्लवी से और जानिए कुछ किताबों के बारे में। धन्यवाद वंशिता। तो आज जो किताब समीक्षा के लिए हमारे पास आई है, उसका शीर्षक है गुरु घंटाल। इस किताब को लिखा है गंगाराम राजी ने। इस किताब में प्रशासन, पुलिस, राजनीति और सामाजिक परिवेश में होने वाली अनैतिक और भ्रष्टाचार की घटनाओं को व्यंग्य के माध्यम से बताया गया है। यह किताब आम आदमी की भावनाओं के बेहद निकट है। किताब को पढ़ते समय पाठक के मन में रोचकता जरूर बनी रहेगी।
लेखक की बात करें तो अभी तक वह 300 से ज्यादा कहानियां देश व प्रदेश की विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित कर चुके हैं। किताब का प्रकाशन हुआ है नमन प्रकाशन नई दिल्ली में और मूल्य है मात्र 395 रुपए। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। अब समय है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति का। आप सुनिए सोलन से राजन तनवर की कविता खुद उनकी आवाज में। कविता का शीर्षक है नीड का निर्माण ममत्व का प्रमाण। शरीर हुआ भारी तुम्हारा उड़ना हुआ दुष्कर। शरीर हुआ भारी तुम्हारा उड़ना हुआ दुष्कर। ऐसे में संग्रहित कर नीड निर्माण किया तुमने उन आने वालों को शरण स्थली बना डाली। शरीर हुआ भारी तुम्हारा उड़ना हुआ दुष्कर। ऐसे में संग्रहित कर नीड निर्माण किया तुमने उन आने वालों को शरण स्थली बना डाली। स्वयं तुम उड़ती रही इधर उधर विचरती रही। स्वयं तुम उड़ती रही इधर उधर विचरती रही किंतु ममत्व का एहसास करवा डाला उनको जिन्होंने प्रसवोपरांत ही तज डाली थी संतानें अपने आश्रम अस्पताल और मंदिर के द्वार पर। किंतु ममत्व का एहसास करवा डाला उनको भी जिन्होंने प्रसवोपरांत ही तज डाली थी संतानें अपने आश्रम अस्पताल और मंदिर के द्वार पर। ममत्व की तुम में पराकाष्ठा है। ममत्व की तुम में पराकाष्ठा है वासना की ही उनमें केवल लौ जली थी। ममत्व की तुम में पराकाष्ठा है वासना की ही उनमें केवल लौ जली थी। बेनाम करके छोड़ आए थे जो अपने हृदय अंग को। बेनाम करके छोड़ आए थे जो अपने हृदय अंग को लड़ने जीवन जंग को। बेनाम करके छोड़ आए थे जो अपने हृदय अंग को लड़ने जीवन जंग को। मानव जाति है सर्वोपरि। मानव जाति है सर्वोपरि किंतु कभी कभी करनी ये करती है आहभरी। मानव जाति है सर्वोपरि किंतु कभी कभी करनी ये करती है आह भरी जिसे देख सवालों की लगती झड़ी। मानव जाति है सर्वोपरि किंतु कभी कभी करनी ये करती है आह भरी जिसे देख सवालों की लगती झड़ी। आत्मग्लानी जब प्रस्फुटित होती। आत्मग्लानी जब प्रस्फुटित होती शिकार होती तब अपनी नजर का ही। आत्मग्लानी जब प्रस्फुटित होती शिकार होती तब अपनी नजर का ही। स्वयं को भी मुंह ना दिखा पाती। स्वयं को भी मुंह ना दिखा पाती। चिड़ियों के नीड निर्माण ने असंख्यों को सबक सिखाए हैं। चिड़ियों के नीड निर्माण ने असंख्यों को सबक सिखाए हैं किंतु इन पढ़े लिखे ज्ञानियों ने आश्रम अस्पताल और मंदिर के द्वार खटकाए हैं। चिड़ियों के नीड निर्माण ने असंख्यों को सबक सिखाए हैं किंतु इन पढ़े लिखे ज्ञानियों ने आश्रम अस्पताल और मंदिर के द्वार खटकाए हैं। धन्यवाद। अगर आप भी लिखते हैं तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियोस और भेजिए दिव्य हिमाचल टीवी को। चयनित होने पर आपकी रचना पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस नंबर के माध्यम से आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे इस खास कार्यक्रम के साथ अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।